नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे, क्योंकि आजकल ठीक रहना, खुश रहना सबसे मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि कोई ना कोई परेशानी हमेशा हमें घेरे रहती है। कभी पारिवारिक समस्या, तो कभी ऑफिस की परेशानी, या फिर कभी अपने प्रेमी के बिछड़ने का दर्द। दोस्तों, आज का हमारा विकास कार्यक्रम हमारी माताओं बहनों के लिए है, जो कहती है कि हम अपनी परेशानी को हल करना चाहते हैं, लेकिन हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, कोई सामग्री एकत्रित नहीं कर सकते। तो आज ऐसी माता बहनों के लिए मैं एक ऐसा अचूक उपाय लाई हूँ, जिसे अपना कर वो अपनी परेशानी से निजात पा सकती हैं। उनका प्रेमी किसी और के चंगुल में फंस गया है, या उनका पति उनकी तरफ से इस परेशानी का हल चंद मिनटों में बिना किसी सामग्री के कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ऐसा क्या करना है कि बिना किसी सामग्री के और बिना ज्यादा समय बर्बाद करे हुए, सिर्फ और सिर्फ चंद मिनटों में आपके रोजमर्रा के काम करते हुए आप इस विधि को कर सकती हैं, और आप अपने पति को, अपने प्रेमी को अपने पास इस तरह से अपने प्यार में बांध कर रख सकते हैं कि वो ताउम्र आपसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन अपनी बहनों को मैं एक बात जरूर बता दूं कि ये विधि बहुत ही प्रचंड है। ये विधि और इसमें जो मंत्र है वो बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इतना सिद्ध मंत्र कि इसके मात्र उच्चारण से ही आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, आपका प्रेमी पति आपके पास लौट आएगा, और इसका कोई भी तोड़ नहीं है। कोई भी तांत्रिक, कोई भी मौलवी इस विधि को तोड़ नहीं सकता, इसके मंत्र का तोड़ नहीं कर सकता। अगर आपने एक बार इस विधि को किसी के ऊपर अपना लिया, किसी के ऊपर इसका प्रयोग कर दिया, तो फिर आपको दोबारा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारी उम्र के लिए आपका होकर रह जाएगा। आप जिस पर भी इस विधि का प्रयोग करेंगे, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपका प्रेमी हो, इस दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें आपसे दूर नहीं कर सकती। तो इसलिए इस बात का प्रयोग खास तौर पर बहुत ही सोच समझकर कीजिएगा। कहीं आपको आकर्षण हो जिसको आप प्यास समझ बैठी हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए इस विधि का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप ही परेशान हो रहे होंगे और कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे होंगे जिससे वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाए, जो कि मुमकिन ही नहीं है। इसलिए इस विधि का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर कीजिएगा। तो आइए और बहुत ही साफ मन से इस विधि का प्रयोग कीजिए। मन में कोई मैल नहीं रखेगा, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखेगा। सच्चे भाव से अपने इसको याद कीजिएगा और इस विधि का प्रयोग कीजिएगा। इस मंत्र को जो मैं आपको बताऊंगी, उसका उच्चारण पूरे भाग से कीजिएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप ये विधि कर रही हो, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति हो जिसके लिए आप ये विधि कर रही हैं, जिसको आप अपने वश में करना चाहती हैं। अगर वो व्यक्ति आपके मन में है और आप उसका ध्यान कर रही हैं, आपकी आंखों में उसकी छवि आपको साफ साफ दिख रही हो, जब इतना आप ध्यान उसका कर लेंगी, तो आपको इस विधि को अंजाम देना है। आपको रात्रि के समय अपने पैर पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहती हैं, जिससे आप बहुत प्यार करती हैं, सदा के लिए अपने पास रखना चाहती हैं, और उस व्यक्ति का नाम अपने पैर पर लिखने के बाद आपको पेशाब करने के लिए जाना है, और उसी समय एक मंत्र का 51 बार उच्चारण करना है। जो मंत्र है, जैसे आप इस विधि को लगातार 11 दिन करेंगे, 12वें दिन आपका प्यार, आपका पति आपके पास लौट आएगा, और फिर आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया में एक ही प्यार ही तो है जिसे हम अपना कह सकते हैं, एक ऐसा साथ। हम चाहते हैं कि सारी उम्र हमारे ही हमारे साथ हमारी परेशानियों को समझे, हमें सहारा दे, और एक दूसरे के साथ के साथ, प्यार के साथ ही उम्र जीवन बीत जाए। तो इस आसान सी और प्रचंड विधि को अपना कर अपने प्यार को अपने पास लाइए, और वे कोई समस्या आपके जीवन में है जिसका समाधान करके आप थक गई हैं, तो आप उस समस्या का समाधान हमारे गुरुजी द्वारा प्राप्त कर सकती हैं। गुरुजी का नंबर लगातार आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो बिना समय बर्बाद करे फोन उठाएं, गुरुजी को फोन करें, क्योंकि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान गुरुजी के पास नहीं है। फोन कर अपनी समस्या का समाधान पाए और अपने जीवन को खुशहाल बनाए। जय माता दी।